एमके चरण सागर में आपका स्वागत है। वी विल लर्न समथिंग न्यू नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है इस पिछले क्लास में जो है फ्यूचर का सारा कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। आज हम लास्ट क्लास पढ़ेंगे टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, या जिसे हम सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हम देखते हैं। पहले आइडेंटिटी, इसको कैसे पहचानेंगे? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या तो ते रहे होंगे, इस तरह से सेंटेंसेस शब्द लगे रहते हैं तो उसे हम कहते हैं वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, और यदि स्टैंडर्ड लैंग्वेज में सीखे तो वो फ्यूचर में कोई भी काम आपको कुछ देर पहले से शुरू हुआ रहता है और चलता ही रहता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब चलिए आगे हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें नहीं नहीं लगा रहता है, क्या क्यों कैसे नहीं लगा रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेल ऑब्लिक विल, सेल या विल में से कोई एक होगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें देखिए यहाँ विल है ना सिर्फ ये वाला, तो आप लोग समझते होंगे पहले पिछले क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। आप सोच रहे होंगे यार इतना लंबा हम लोग याद कैसे करेंगे? यदि आप पिछले क्लास पढ़ रहे होंगे तो आराम से आपको याद हो, समझ में आसानी से आ गया होगा। जैसे कि सब्जेक्ट तो होगा ही, फ्यूचर है तो सेल विल होगा ही, है ना। उसके बाद इसमें सिर्फ याद रखना है वी हैव बीन, वी फोर होगा ही क्योंकि कंटिन्यूस है, इसमें देखिए रहा रही लगा हुआ है ना। तो रहा रही वाला में हम लोग क्या करते हैं, वी फोर का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट तो होता ही है वर्ब के बाद, है ना। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में यदि टाइम रहता है उसके बाद रहा रही रहता है तो उसमें हम फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम जोड़ देते हैं, है ना। सभी अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिएगा, जैसे चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें आपको फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम देखने को स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। समय रहेगा तो हम इसका प्रयोग करते हैं, और सेंटेंस में यदि टाइम का बोध नहीं रहता है जैसे 3 दिन, 2015 ये सब, तो हम सिंस ऑब्लिक फोर का टाइम का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए आपको याद हो गया होगा क्या क्या, तो सब्जेक्ट, उसके बाद सेल ऑब्लिक विल, उसके बाद प्लस हैव बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम, तो याद रखना है और कुछ नहीं। तो याद हो गया होगा, चलिए फिर अगर देख लेते हैं। आज भी थोड़ा सा वैसे पढ़ चुके हैं हम लोग, आई और वी और एक नाम के साथ सेल का प्रयोग होता है। हमने एक नाम नहीं लिखा है क्योंकि उतना जगह नहीं मिल रहा था, इसीलिए तो वन नेम के साथ भी विल का सेल का सॉरी एक से अधिक नाम के साथ क्या लगता है, सेल का प्रयोग, और एक नाम के साथ विल का प्रयोग लगता है। तो एक से अधिक नाम भी रहेगा फिर भी हम लोग क्या करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा सा अब इसमें देख लेते हैं, फिर से रिकॉल कर लेते हैं फोर ऑब्लिक सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, फोर का प्रयोग किस में होता है और सिंस का प्रयोग किस में होता है। वैसे हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, चलिए देख लेते हैं इसमें भी, है ना। तो चलिए, तो फोर डेज, थ्री डेज, थ्री ईयर्स, टू ईयर्स, थ्री वीक्स, फोर के का प्रयोग होता है इस सभी के साथ, है ना। तो इसका मतलब हुआ जो अनिश्चित समय हो तो उसके साथ फोर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अभी आप बोलेंगे तो हम 4 दिनों से पढ़ रहे होंगे, तो 4 दिनों से पढ़ रहे होंगे, पिछले 4 दिन हो गया। लेकिन वही 2 साल के बाद आप बोलेंगे 4 दिनों से पढ़ रहे होंगे तो 2 साल के बाद वाला जो पिछला 4 दिन होगा वो हो जाएगा। मतलब ये 4 दिन जो है आपको चेंज हो सकता है, 3 दिन चेंज हो सकता है ना। थ्री ईयर पहले आप बोलेंगे या तो 3 ईयर बाद हम काम कर रहे होंगे, तो 3 ईयर आज बोल रहे हैं तो 3 ईयर बाद आज जैसे 2021 है तो 3 ईयर बाद क्या होगा, 2024 तक पढ़ रहे होंगे। अब वही आप 2025 में यदि बोलें तो क्या होगा, 25 और 3 प्लस और हो जाएगा, तो 25 को बोलेंगे हम 3 वर्ष से पढ़ रहे होंगे या 3 वर्षों के बाद पढ़ रहे होंगे, तो 3 वर्ष के बाद 25 से क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 25 से 28 हो जाएगा 3 वर्ष बाद। तो मतलब क्या हुआ, आज बोले 2021 में बोले तो 2024 का समय हो गया, जबकि 25 में बोले तो 2028 का समय हो गया। तो इसीलिए ये सभी चेंज आपको हो सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें क्या होगा, जैसे 2 जनवरी मॉर्निंग, संडे, ये संडे मॉर्निंग थोड़ा एक्सेप्शन में आ जाता है, लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी होता है सिंस में।
2014, 2015, 2020, 2025 जो भी है उसके साथ सिंस का प्रयोग होता है। क्योंकि जैसे आप बोलेंगे आज जो 2 जनवरी से हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो कभी भी आप 2 जनवरी बोलेंगे तो उसका टाइम फिक्स रहेगा, वही 2 जनवरी ही होगा। संडे मॉर्निंग ये सभी इसका मतलब थोड़ा सा एक्सेप्शन में ये सब आता है, लेकिन संडे मॉर्निंग ये सभी सेम ही रहते हैं। दिन का नाम, सुबह शाम ये सभी सेम रहते हैं, इसका साथ सिंस का प्रयोग होता है। जैसे कि आज आप बोलेंगे 2015 से हम पढ़ रहे होंगे, तो उसका समय जो है वही फिक्स ही रहेगा, 2015 ही आप बोलेंगे कभी भी। जैसे 2025 बोलेंगे तो 2025 से बोलेंगे सब दिन, और उसका टाइम कभी भी चेंज नहीं होगा। आज बोलेंगे 2015 से पढ़ रहे होंगे तो फिर दूसरे दिन भी बोलेंगे 2015 से पढ़ रहे होंगे, तो वो आप कभी भी बोलेंगे तो उसका समय बदलेगा नहीं, वही रहेगा। इसीलिए इसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर्स। जैसे वे लोग 3 दिनों से खेल रहे होंगे, तो सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट डाल दिए, दे हो गया, दे के साथ विल का प्रयोग होगा, क्योंकि आई और वी और एक नाम के साथ, सॉरी एक से अधिक नाम के साथ शैल का प्रयोग होता है, और एक नाम के साथ भी विल का प्रयोग होता है, और सभी के साथ भी विल का प्रयोग होता है। सिर्फ आई और वी और एक से अधिक नाम के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो वे लोग 3 दिनों से पढ़ रहे होंगे, तो दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 डेज हो गया। जैसे कि देखिए विल तो हो ही गया इसमें से एक, अब हैव बीन तो सब में होगा, वी फॉर प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं दिए, फॉर अब्लिक सिंस होगा क्योंकि 3 डेज है, तो 3 दिन के लिए क्या लग जाएगा, फॉर का प्रयोग हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये बदल सकता है। अब चलिए देखिए वे लोग 2021 को पढ़ते रहेंगे, तो 2021 को पढ़ते रहेंगे तो दे हो जाएगा सब्जेक्ट के जगह पर, दे के साथ विल का प्रयोग, उसके बाद हैव बीन सब में होगा, वी फोर होगा इसमें। देखिए पढ़ना का क्या हो जाएगा, यहाँ रीडिंग हो जाएगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग समझदार है तो समझ सकते हैं, यहाँ तो पढ़ना का क्या होगा, रीडिंग हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो रीडिंग, उसके बाद फोर अब्लिक सिंस में क्या हो जाएगा, 2021 है इसलिए तो कभी चेंज नहीं होगा, तो इसके साथ हम क्या का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका निगेटिव। निगेटिव में थोड़ा सा समझने के लिए आपको हम बता दूं, ये देखिए क्या होता है कि सिर्फ आप सेल अब्लिक विल के बाद नोट डाल देंगे और सारा का सारा आगे और पीछे सब का सब वही रहेगा। जैसे देखिए सब्जेक्ट उसके बाद सेल अब्लिक विल है, है? सब्जेक्ट के बाद सेल अब्लिक विल, उसके बाद नोट है, इसमें भी देखिए सब्जेक्ट अब्लिक विल है, सब्जेक्ट प्लस सेल अब्लिक विल है, उसके बाद यहाँ प्लस के बाद नोट डाल दीजिए, उसके बाद हैव बीन इसमें भी हैव बीन, उसके बाद वी फोर ऑब्जेक्ट फोर अब्लिक सिंस प्लस टाइम, वी फोर ऑब्जेक्ट फोर अब्लिक सिंस प्लस टाइम, याद हो गया। और चलिए बनाते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर। वे लोग सुबह से नहीं दौड़ रहे होंगे, निगेटिव है तो दे विल, दे के साथ विल का प्रयोग नोट होगा ही क्योंकि निगेटिव है, उसके बाद हैव बीन डाल दिए, उसके बाद वी फोर डाल दिए, रन का रनिंग हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट हो गया नहीं है तो नहीं देंगे, फोर अब्लिक सिंस हो गया, सिंस का प्रयोग, टाइम हो गया सुबह तो सिंस डाल देंगे। तो वे लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे दौड़ रहे होंगे तो दे विल नॉट हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। श्याम 4 दिनों से नहीं पढ़ रहा होगा तो श्याम विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 4 डेज हो जाएगा। चलिए क्योंकि 4 समय चेंज हो सकता है और श्याम एक नाम है तो इसीलिए इसके साथ विल का प्रयोग होगा। अब सारा का सारा इस स्ट्रक्चर पे आप बना लेंगे, आराम से सीख जाएंगे। अब चलिए इसका बनाते हैं यस नो स्ट्रक्चर, और डब्ल्यू भी होता है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो इंट्रोगेटिव का यस नो हम लोग पहले बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं इसी डब्ल्यू सेल अब्लिक विल को आगे ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वही रहेगा, नोट रहेगा तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे, उसके बाद हैव बीन इस सारा का सारा ऊपर वाला आप उतार दीजिए, हो गया। चलिए अब बनाते हैं, तो ये हो गया। अब क्या आप लोग 3 दिनों से खाते रहेंगे, तो खाते रहेंगे तो क्या का क्या इसमें इस स्ट्रक्चर पे कब बनाते हैं, जब पहले सेंटेंस के क्या लगा रहे, सेंटेंस के पहले क्या लगा रहता है। तो इसमें हम क्या बनाएंगे, आप है सब्जेक्ट, इसके साथ विल का प्रयोग होगा तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैव बीन, नोट नहीं तो नहीं देंगे, हैव बीन दे दिए, भर फोर इट का खाना का क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, उसके बाद फोर अब्लिक सिंस में क्या होगा, फोर होगा क्योंकि 3 दिन है, दिन बदल सकता है 3 दिन, तो इसके बाद हम टाइम दे दिए 3 डेज। तो विल यू हैव बीन ईटिंग फॉर 3 डेज, क्या आप 3 दिनों से खा रहे होंगे या खाते रहे होंगे, तो इस तरह से आप रहेगा तो बना सकते हैं।
अब चलिए वे क्या वे लोग सुबह से बोलते रहेंगे, तो विल दे हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग हो गया, इस स्ट्रक्चर पे आप बना लेंगे। अब इसको आप बनाइए खुद, मैं 2022 से काम करता रहूँगा, तो आई शैल हैव बीन वर्किंग सिंस 2022। तो आप यदि अब किसी भी बुक का ट्रांसलेशन अब उल्टा के बना लीजिए, आपको आसानी से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए हम लोग बनाते हैं इसका WH स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, उसी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को आज जो है आप देखिए कॉपी पर लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, आपको कोई भी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है ग्रामर में, आपको हम पूरा पढ़ा देंगे ग्रामर का, किसी भी क्लास का हो स्पीकिंग हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको A to Z। चलिए अब WH स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक 4 ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। तो नोट रहेगा तो नहीं देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये क्या किए WH सिर्फ हम जोड़ दिए इस यस नो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो पहला था उसमें, है ना, आगे रख दिए। जैसे कि ये देखिए आप, ये हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ से विल था ना, है विल के विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, ये सभी था। यहाँ हमने क्या किया, सिर्फ WH वर्ड डाल दिए और कुछ नहीं करी, देखिए WH वर्ड डाल दिए और कुछ नहीं किया, उसके बाद सारा का सारा आपका स्ट्रक्चर जो है सेम ही है यहाँ से यहाँ तक। तो अब चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। तो आप 2025 से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, तो क्यों इसमें क्या आता है, बीच में लगा रहता है, क्यों कहाँ कैसे ये सभी बीच में रहता है, तो उसको हम इस स्ट्रक्चर पे बनाते हैं, इसे हम WH स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसको चलिए, इसका उत्तर जो है कुछ सेंटेंसेस में होता है, और यशनो का जो स्ट्रक्चर था ऊपर वाले इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, उसका जो है ये हाँ या नहीं में होता है, इसीलिए हम उसको यस नो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसका हम क्या बनाएंगे, आप 2025 से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, तो वाई हो जाएगा क्यों का WH के जगह पर, उसके बाद सेल अवेलेबल विल हो जाएगा, इसमें विल होगा यू है इसीलिए। अब क्या होगा, नॉट है तो दे देंगे नॉट, सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद हैव बीन होगा, हैव बीन डाल दिए, बिफोर क्या होगा इसमें पढ़ना का रीडिंग हो जाएगा, भर में ING लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं देंगे, फॉर अब्लिक सिंस में सिंस होगा क्योंकि 2025 है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। क्या बन गया, वाई विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2025। तो हम लोग 2027 को मुंबई जा रहे होंगे, तो हम लोग 2027 को मुंबई जा रहे होंगे, तो वी शैल हैव बीन गोइंग टू मुंबई सिंस 2027। इसी स्ट्रक्चर पे बना लिए। अब चलिए अगला बनाते हैं, Why will you have been playing since morning? अब ये इंग्लिश में है, आप हिंदी में बोल सकते हैं, तो आप सुबह से क्यों खेल रहे होंगे, तो चलिए आप हिंदी में देखिए, आपको कभी भी जाएंगे ना, तो इसमें आपको स्ट्रक्चर पहले ये सब्जेक्ट ही बोलना पड़ता है, तो पहले आप सब्जेक्ट बोल दिए, उसके बाद देखिए आप ऑब्जेक्ट से पीछे से चालू कीजिए, ठीक है, मॉर्निंग है तो सुबह दे दीजिए, से है सिंस है तो से दे दीजिए, उसके बाद ये क्यों तो बीच में डालना पड़ेगा ना कहीं पे, इसीलिए तो आप क्यों डाल दीजिए, उसके बाद भर्ब जो है बाद में डाल दीजिए, खेलना इसीलिए तो हो गया आपका बन जाएगा गागेगी जो भी है, या आप भर्ब देख के जैसे कि विल हैव बीन है समझ जाएंगे, जो रहे होंगे लास्ट में लगा होगा, तो उस तरह से आप बना के बना दीजिए और लिख दीजिए, आपका सेंटेंस आराम से बन जाएगा हिंदी में भी। आप 7 दिनों से क्यों पढ़ रहे होंगे, तो वाई विल यू हैव बीन रीडिंग फॉर 7 डेज हो जाएगा, यहाँ 4 होगा क्योंकि 7 डेज चेंज हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग फ्यूचर का स्मार्ट क्लास करते हैं, फ्यूचर टेंस है ये स्मार्ट क्लास है, जैसे हम लोगों का फ्यूचर आइडेंटिटी क्या होता है, समय प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या ते रहे होंगे, हमने नहीं लिखा है तो ते रहे होंगे, ते रही होगी, तो ये रहता है। अब इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद सेल ऑब्लिक विल हैव बीन, बिफोर ऑब्जेक्ट, फॉर ऑब्लिक सिंस होता है, हम जो हमने मिस्टेक से भूल गया है नहीं लिख पाए, आप लोग समझदार हैं तो समझ सकते हैं, लिख लेंगे। अब निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सेल ऑब्लिक विल, नॉट है तो निगेटिव है तो नॉट तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद हैज ऑब्लिक हैव बीन, हैज प्लस हैव बीन हो गया, उसके बाद बिफोर ऑब्जेक्ट दे दिए, फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम दे दिए, है ना, इसी में क्या किया, यहाँ नोट डाल दिए, बस हो गया। यस नो इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसका उत्तर आप यस या नो में देते हैं, हाँ या नहीं में देते हैं, इसीलिए इसको यस नो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, यही सेल ऑब्लिक विल आगे रख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रहता है,
नोट वगैरह रहेगा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उसके बाद ये सारा का सारा उतार दीजिए, हो गया। और इसमें भी क्या कहते हैं डब्ल्यू एच में इसी में क्या करते हैं, इसनो स्ट्रक्चर के आगे में यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू एच डाल दे देते हैं, जिसका मतलब होता है क्यों कहाँ कैसे। ये यदि बीच में रहता है सेंटेंस के बीच में हिंदी में, तो उसको हम यहाँ रखते हैं, जैसे वाई विल यू, जैसे यू है तो यू देंगे सब्जेक्ट की जगह पर, वेयर वेयर विल यू, ऐसे करके हम बना देते हैं। और सारा का सारा वैसे इसी का होता है, सिर्फ आप डब्ल्यू एच यहाँ डाल दीजिए, हो गया। उसके बाद बाकी बात सारा का सारा उतार दीजिए, हो गया। आई होप यू विल हैव रिमेंबर्ड ऑल दीज थिंग्स एंड रूल्स ईजिली, एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। इफ यू कमिट एनी मिस्टेक्स देन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम।